अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफिक। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ T+T लेटर लोगो डिज़ाइन। तो गाइस आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप इस लोगो को जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी गाइस बहुत ईजी मैथड के साथ। तो गाइस इसमें मेरे पास एक ग्रेडिंग कलर है, इसका जो है मैं आज यूज़ करूँगा। जो आपका फेवरेट कलर है आप उसको पहले क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी मैथड के साथ। तो गाइस आप करें वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस चलें यहाँ पे हम वीडियो को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सो कुछ लाइंस यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसका साइज़ 1 पॉइंट कर लेता हूँ। 1 पॉइंट करने के बाद गाइस इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। करने के बाद इसको हमने करना है ग्रुप, और यहाँ पर मैं गोल कर्सल का जो है वो यूज़ करूँगा। सो आपने भी गोल कर्सल ले लेना, इसको सिंपल यहाँ पर ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद इनको सेलेक्ट करते हुए इनको अलाइनमेंट कर देना गाइस आप लोगों ने, और अलाइनमेंट करने के बाद इसका साइज़ भी लाइन के मुताबिक कर लेंगे। ओके दैट्स गुड। और यहाँ पे लाइंस जो है इसकी गो टू पिक ले लेना, गो टू एडिट कॉपी, गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। करने के बाद वो इसको 180 के एंगल पर रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने गाइस क्या करना है, ये जो आपके पास गोल कर्सर है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और गो टू एडिट कॉपी, गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। इसको हमें दो बार जो है वो ऐसे ही क्रिएट करना है। तो ओके दैट्स गुड। करने के बाद आप गाइस आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा फुल एक्सप्लेन करके, आप इस T+T लेटर को कैसे जो है वो क्रिएट करेंगे। आपने इस तरीके से करना है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आए, और इसमें ग्रेडिंग कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें सिंपल कलर भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, आप सिंपल बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे इसमें ग्रेडिंग कलर को जो फील करूँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसको क्रिएट करने वाला हूँ। सो गाइस आपने क्या करना है, इस सारे स्केच को आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप टूल आपको मिल जाएगा, और इसकी शॉर्टकट कमांड है, आपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Shift+M प्रेस करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आप कलर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे कलर आएंगे जो आप इसमें से फिल करना चाहते हैं तो सो कर सकते हैं। सो इसमें मैं ब्लैक कलर को फिल कर लेता हूँ। ब्लैक कलर को फिल करने के बाद गाइस अब आप लोग को बताऊँगा कि आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, और इसको फिनिश कहाँ पर करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। तो गाइस इसको यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ। ओके दैट्स गुड। और इसको इसी तरह इसके ऑपोजिट कर लेंगे। ओके दैट्स गुड। अब इसके बीच वाली स्पेस को हमने पहले फिनिश कर लेना। आपने गाइस केयरफुल रह के अपना वर्क करना है। आप देख सकते हैं हमारा लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। सो आप क्या करूँगा, इसको आपने अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद आपने एक साइड पे ले जाना है, और इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद गाइस इसको ले आते हैं इस साइड पे। अभी ये सिंपल लग रहा है, ये ज़्यादा खूबसूरत हो रही है जब इसकी स्पेस को हम बीच में से फिनिश करेंगे। सो आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी स्पेस को फिल करते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट है, इसको सेलेक्ट कर लेना, और इसकी वैल्यू को आपने बढ़ा कर देना है। जैसे ही आप बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी स्पेस कम होती जा रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो लोगो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। सो अब इसको क्या करूँगा, गो टू ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर दूँगा। ओके दैट्स गुड। एक्सपेंड करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है वो पाथ फिंडर कर दूँगा। ओके दैट्स गुड। इसमें हम अपना ग्रेडिंग कलर जो है वो फिल कर लेते हैं लाइट वर्क के साथ, और इसको जो है वो ग्रेडिंग कलर को सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक हम क्या करेंगे, एक और गोल कर्सर लूँगा, और गोल कर्सर को यूज़ करूँगा। सो गोल कर्सर लूँगा और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा। और इसमें हम आउटलाइन को फिल करना चाहते हैं इसी कलर में। सो इसको सेलेक्ट करते हुए इसमें मैं फिल कर लेता हूँ। सॉरी ओके, इसमें फिल हो गया। अब इसका साइज़ जो है वो बढ़ा देंगे।
इसको ले आते हैं इधर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए इनको पहले अलाइनमेंट कर लेता हूँ, फिर इसको बड़ा कर लेता हूँ गोल कर्सल को। यहाँ पे आप गोल कर्सल को बड़ा कर दीजिए। ओके डैट्स ग्रेट। तो कई साल देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है हमारा डबल टी लेटर लोगो जो है बिल्कुल क्रिएट हो गया। सो इसको सेलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके डैट्स ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो गया। और गाइस आई होप इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। और गाइस इसमें मेरे पास बैकग्राउंड है, इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड लगाया तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हमें नज़र आ रहा है। और गाइस आई होप इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।